मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? और हिमांशु जो है आप लोगों को विश कर रहा है न्यू ईयर की, तो बोलिए हिमांशु। तो हाय एवरीवन, आज से नया साल शुरू हो गया है। तो अभी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो नए साल की। और भगवान आप सभी को खुश रखे उम्र भर के लिए। और अप्रैल को आप सबका अप्रैल फूल भी मनाना। हाँ, अप्रैल को आप सभी का अप्रैल फूल भी मनाना, हम भी बनाएंगे। हाँ, तो आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार और ढेर सारी खुशियां जो है आपके घर में आए नए साल में। और 2020 हमने जो है वो काट लिया है, मतलब अब बहुत सी चीज़ें जो है 2020 में हमने अच्छी भी की, बुरी भी की, अच्छी मतलब बातें भी सुनी, बुरी बातें भी सुनी, और कुछ लोगों के साथ अच्छा भी हुआ 2020 में और कुछ लोगों के साथ बुरा भी हुआ। तो ये अच्छा बुरा जो है वो चलता रहेगा कंटिन्यू। अब 2021 कैसा आएगा, हम तो माता रानी से दुआ ही कर सकते हैं कि सबके लिए जो है ये 2021 जो है वो बहुत अच्छा है। और 20 में हमने जो है वे बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है। तो कुछ लोगों ने बहुत कुछ पाया भी है और हमारे जैसे लोगों ने खोया भी बहुत कुछ है। तो मैंने तो बहुत कुछ खोया है, पर बहुत से लोगों के जो है वो मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं इसमें। जैसे लोग एक दूसरे के साथ मिले जुले, एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छे से टाइम बिताया, क्योंकि सभी घर में रह रहे थे ना, तो वही गांव का वही कल्चर, वही सब कुछ, क्योंकि गांव में ही सब ज़्यादातर तो गांव के लिए ही दौड़े थे। वैसे शहरों से भी गांव की ओर दौड़े, फिर गांव में मतलब अपनी खेती बाड़ी की, सब ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मतलब काम किए अपने घर के। और बहुत से मतलब एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, एक दूसरे के साथ वही प्यार, पर बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद जो है वो ऐसा हुआ। और जो कईयों के तो जैसे नौकरी, प्राइवेट नौकरी वाले थे उनकी नौकरी छूट गई, कईयों के बिजनेस थे वो छूट गए, तो वैसा जो है वो कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ, बहुत सी सीख जो है वो मिली हमें 2020 में। ऐसा हम क्यों बोले कि बुरा ही था, नहीं, सीखने को भी हमारे को बहुत कुछ मिला, वही मेहनत, वही अपना कल्चर, वही एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, ये चीज़ें जो है हमें सीखने को मिली। और मेहनत करना जो है वो ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें जो है हमें सीखने को मिली इसमें। तो माता रानी से हम सब के लिए दुआ करेंगे कि सभी के लिए 2021 जो है वो बहुत खुशियों भरा है और ढेर सारा प्यार बरसाए हर एक इंसान पे। और हाँ, एक और बात करनी थी कि भावना जी हैं सोलन से, तो उनके पिताजी का जन्मदिन भी है आज 1 जनवरी को। तो आप लोग सभी जितने भी हमारे YouTube फैमिली है, जो भी मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपना अपना आशीर्वाद जो है उन्हें दें। और हम यहाँ से, हमारी जो फैमिली है वो भी दुआ करेंगी माता रानी जी से कि भावना जी, आपके डैडी जी बहुत बहुत खुशियाँ मिले उनको, और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, और ढेर सारा प्यार आप लोगों के घर में आए। बस यही दुआ हम करते हैं, और आप लोग भी उन्हें विश करना ना भूलना। ओके, बाय। और आगे देखिए आप वीडियो में क्या है। तो हमारे यहाँ से आप सभी को, जितनी भी हमारी यहाँ फैमिली है, अभी यहाँ पे सभी इकट्ठे नहीं हैं, कुछ दूसरे घर में हैं, कुछ यहाँ पे है, और भावना रानी वगैरह जो है वो पार पड़ रहे हैं। तो हमारा हिमांशु भी है यहाँ पे, और मतलब जितने भी हमारे, उनकी ओर से मैं अकेला बोलूँगा अपने परिवार की ओर से कि आप सभी को जो है हैप्पी न्यू ईयर।
2021। भगवान करे आपके घर में सुख शांति आए और ढेर सारा प्यार आए, धन बरसाए ये 2021। ओके बाय। तो यहाँ पे हम आज कर रहे हैं आपके साथ शेयर आलू गोभी। तो यहाँ पे आलू हम छील लेते हैं देखिए, और यहाँ पे हमने दूध रखा है, ये देखिए दूध गर्म हो रहा है। जब तक हमारा दूध गर्म होगा तब तक हम आलू भी छील लेंगे, और ये देखिए गोभी भी हमने जो है वो धो ली है और आलू भी हम धो लेंगे। ये छील हमने लिए हैं, धो लेते हैं बस फटाफट से, अब धो लेते हैं और फिर आगे बताते हैं आपको कि हमने कैसे जो है वो आलू और गोभी जो है वो बनाई। तरीके से जो है तंग करता है और बुलाता है, ये वाह वाह करके बुलाता है जब भी इसको भूख लगी होती है या फिर इसने ना बात करनी होती है औरों के साथ, और ये ना लड़ लड़ के बहुत 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 बुरे हाल करता है सबके। ये हमारा टाइगलू है, बहुत खतरनाक टाइगलू है ये। देखो दूध के साथ जो है खाएगा रोटी भी। तो हम जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो हम ना कद्दूकस करके करेंगे। जैसे अभी हमने गोभी को कद्दूकस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम गोभी कद्दूकस कर लेते हैं और साथ में फिर आलू भी हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो ये बड़ी ही टेस्टी और बड़ी ही जल्दी बनने वाली सब्ज़ी हो जाती है। ये देखिए हमने कद्दूकस कर लिया था यहाँ पे गोभी को, और यहाँ पे अब हम आलू को जो है वो कद्दूकस कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके कद्दूकस करने के लिए, पर वैसे पकाने के लिए जो है वो कम समय लगेगा। और यहाँ पे चपाती बना रहे हैं, जब तक ये हमने कद्दूकस करके छोड़ दिए थे, और तब तक जो है वो चपाती बन जाएगी हमारी, आलू गोभी और चपाती। तो हमारे चूल्हे पे बनी हुई पहाड़ी आलू गोभी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, और चूल्हे पे बना जो है वो खाना आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये देखिए ये बन गए हमारे फुलके, और यहाँ पे अब हमने फुलके बना लिए हैं, चपाती हमने बना लिया है, और ये अब कढ़ाई में हमने तेल जो है वो डाल लिया है, और यहाँ पे धनिया हमने ऐड कर लिया है इसमें, और ये मेथी है तो मेथी भी हम थोड़ी सी ऐड कर लेंगे और थोड़ी देर इसको पकने देंगे ऐसे ही। और ये अब थोड़ा सा सेक इसमें लग गया है ना धनिया में, अब हमने जो है लहसुन प्याज जो हमने काटा हुआ था वो हमने इसमें ऐड कर लिया है, ये देखिए ये। और अब थोड़ी देर हम ऐसे ही भून लेंगे इसको और चलाते रहेंगे थोड़ी देर ऐसे ही। और हमने ना लहसुन और प्याज जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक काटा है, और यहाँ पे टमाटर जो है हम काट लेते हैं फटाफट से, थोड़े थोड़े जो है टमाटर भी लग जाएगा। और ये हमारे आलू है, आलू हमने कद्दूकस कर लिए, गोभी भी हमने कद्दूकस कर लिया है, तब तक हमारे टमाटर जो है वो काट लिए। और यहाँ पे अब हमने हल्दी डाल ली है और साथ में ही डाल लिए ये टमाटर, और टमाटरों को भी हम अच्छे तरीके से ऐसे चला लेंगे और पका लेंगे। ये थोड़ा सा हमने नमक ऐड कर लिया है ताकि हमारे ये टमाटर जो है अच्छे तरीके से पक जाए, और अब हम पानी डाल के जो है थोड़ी देर इनको पकने देंगे। और अब हमारा तड़का जो है हो चुका है, और साथ में हमने जो है वो जो कद्दूकस किए थे हमने आलू वो हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। तो अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, जो हमने मसाला बनाया था उसको इसके साथ मिला लेते हैं, और साथ में ही हमने जो है वो अब गोभी डाल लेनी है, क्योंकि अब थोड़ी देर हमने मिला लिया और साथ में हमने गोभी डाल ली, क्योंकि इसके ना आलू के लिए टाइम लगेगा ज़्यादा ना फिर गोभी के लिए, क्योंकि ये दोनों कद्दूकस किए हैं तो बारीक है, बारीक होने का मतलब है जल्दी से जो है वो ये पक जाएगी। और अब हम तीनों चीज़ों को इकट्ठा मिक्स कर लेंगे, गोभी भी आलू भी और तड़का भी, तो सारी चीज़ें जो है इकट्ठी हम मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर ऐसे ही, ये देखिए ऐसे। और अब हमने नमक जो है वो ऐड कर लिया है, स्वादानुसार हम नमक डालेंगे, और ये है अदरक, तो अदरक भी हमने छोटा छोटा कुतरा किया हुआ था
तो अदरक भी हम ऐड कर लेंगे और साथ में हम पानी लगा लेंगे जितना हमारे पास सब्जी है और सब्जी पकाने के लिए चाहिए होगा उस हिसाब से। और ये अब हमने ढक्कन बंद कर लिया है और अब हमारा ये देखिए ये बन गई है आलू गोभी पहाड़ी चूल्हे पे बनी ये रेसिपी। और ये देखिए धुआं ही धुआं, फ़ोन पे भी धुआं, ये बन गई हमारी रेसिपी। और जिसे भी मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।